हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दो सिंपल और आसान और इम्पोर्टेंट लॉ और प्रिंसिपल की बात हम करेंगे इस वीडियो में। बेनिफिट है, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गया है कि कंपेटिटिव एडवांटेज इन केस ऑफ रीजन ए किसमें है, वीट में, और इन केस ऑफ रीजन बी वो है आपका ग्राउंडनट में। जबकि कंपेटिटिव एडवांटेज की हम बात कर रहे हैं, जबकि एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका है, रीजन ए का, दोनों कम्युनिटीज में, दोनों कमोडिटीज को रीजन ए बेटर वे में प्रोड्यूस कर सकता है कंपैरेटिवली रीजन बी, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली जो है ज्यादा एफिशिएंटली वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है, और वीट प्रोड्यूस करेगा तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब यहां पे दूसरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनको हम अलग अलग यूजेज में या अलग अलग एंटरप्राइजेज में यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही रिसोर्सेज है, सपोज दैट हमारे पास लैंड ही है तो उस पर हम क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं, उस पर हम डेयरी भी ले सकते हैं, उस पर हम फिशरीज भी ले सकते हैं, उस पर हम सेरिकल्चर भी ले सकते हैं, कोई और भी एंटरप्राइज ले सकते हैं। तो एक ही इनपुट को, एक ही रिसोर्सेज को जब हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, मतलब उसका अल्टरनेटिव यूजेज है, और उनमें से अल्टरनेटिव यूजेज में से हमको एक सेलेक्ट करते हैं हम। तो आप सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज है, ठीक है, 1000 आपके पास है, और आप जो है शुगर केन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको पेडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉटन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीन ऑप्शन आपके पास है। अब आप उसको कहां इन्वेस्ट करेंगे? तो मान लेते हैं आपने डिसाइड किया कि आपने जो है शुगर केन में इन्वेस्ट किया, क्योंकि वहां पे आपको 3000 रुपए रिटर्न में मिल रहे थे। 1000 इन्वेस्ट करेंगे 3000 मिलेगा। पेड़ी केस में 2500 मिल रहा था और कॉटन के केस में 2200 मिल रहा था, तो आपने शुगर केन में इन्वेस्ट कर दिए। तो जो यहां पे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस क्या हुआ, शुगर कैन, और सेक्रीफाइड या जो फॉरगॉन एंटरप्राइजेस है वो क्या हुआ, पेडी और कॉटन, दो हुआ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसका डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं, अभी आपको फिर क्लियर हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन और डिस्ट्रॉयड। मतलब आप अगर शुगर केन में 1000 रुपये नहीं लगाते तो किस में लगाते आप? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था आपके पास? पेडी, क्योंकि वहां से आपको 2500 रुपये रिटर्न मिल रहा था। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ शुगर केन इज पेडी राइस, जहां से आपको 2500 रुपये रिटर्न मिलता अगर आप इस 1000 को इसमें नहीं लगाते तो। लेकिन आपने शुगर केन में लगाया तो इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, पेडी, और जिसका कॉस्ट क्या था, जिसका वैल्यू क्या था, 2500 रुपये। मीन्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1000 और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ शुगर केन इज द वैल्यू ऑफ पेडी
दैट इज 2500, यानी मतलब 2500 रुपये उसका वैल्यू है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ गए कि अगर हम 1000 को शुगर केन में नहीं लगाते तो उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट में हम उसको लगाते हैं, और जो था आपका पेडी। तो यहाँ पे इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ, 2500, समझ गए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है आपको पहले, उसके बाद में हम कोई चीज को डिसाइड कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम आपके इस स्लाइड्स पे। अगर हम शुरू से देखें तो हम बात करें कि फार्म रिसोर्सेज ऑलवेज लिमिटेड होते हैं, और जब कोई एक रिसोर्सेज को हम एक प्रोडक्ट में यूज कर लेते हैं, एक प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं, तो उसके कुछ अल्टरनेटिव जो है हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसा हमने बोला कि भाई हमने 1000 रुपए को शुगर केन में यूज कर लिया, तो उस 1000 रुपए के लिए आपका पैडी और कॉटन जो है हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गए, चले गए। जबकि अगर हम शुगर केन नहीं कर सकते, वहां पे हम कर सकते थे, वहां पे हमको रिटर्न मिलता, 2500 मिलता एक में मिलता 2200। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप समझ गए। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से, द वैल्यू ऑफ वन एंटरप्राइजेस दैट इज सैक्रिफाइड, जो चला गया, द वैल्यू ऑफ वन एंटरप्राइजेस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अनोदर एंटरप्राइजेस दैट इज एग्जिस्टिंग। जो चला गया उसकी वैल्यू जो है ना वो कॉस्ट है जिसको हम कर रहे हैं अभी, इसका एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस को हम फॉर्म पे कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे एक फार्मर है जिसके पास 800 रुपए है और वो इन्वेस्ट कर सकता है अपने फार्म बिजनेस में। उसके पास तीन चॉइस है, क्या तीन चॉइस है कि भाई या तो वो भैंस खरीद ले अपने फार्म के लिए, जहां से उसको 80 रुपए का नेट फायदा होने वाला है, मतलब नेट रिटर्न उसका 80 रुपीज है, जो कि 10% है टोटल रिटर्न का, टोटल इन्वेस्टमेंट का। दूसरा ऑप्शन है कि वो एक वाटर लिफ्ट खरीद ले, पानी चढ़ाने के लिए एक लिफ्ट खरीद ले अपने फार्म पे, जिससे कि उसका इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से उसको रिटर्न मिलेगा 100 रुपये, नेट रिटर्न उसको 100 रुपये मिलेगा, जो कि 12.5% है इन्वेस्टमेंट का। तीसरा ऑप्शन उसके पास है कि एक वो बैलगाड़ी खरीदे, जिससे उसका माल को ढोने और ट्रांसपोर्ट करने में उसका कॉस्ट बचेगा, और जिसकी वजह से उसका कंज्यूमर के रूप में उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, और उसको टोटल नेट रिटर्न जो है वहां से 60 रुपये का मिलेगा, जो कि 7.5% होता है टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे भाई फार्मर ने जो है उसने बेस्ट ऑप्शन जो उसको दिखा, जो कि सेकेंड था, क्योंकि वहां से उसको सबसे ज्यादा हाइस्ट रिटर्न मिल रहा था, तो उसको चूज कर लिया। मतलब उसने एक वाटर लिफ्ट कर लिया और अपने इरिगेशन में उसको काम मिल गया, उसको 100 रुपये का नेट फायदा हुआ। अब यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात हम कहें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन अल्टरनेटिव इज द सरेंडर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इन सिंपल टर्म्स इट इज अ कॉस्ट इक्विवेलेंट टू द रिटर्न्स फ्रॉम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर एंड दैट इज बफेलो परचेजिंग। इसके अगर वो मान लीजिए वो फार्मर अगर वाटर लिफ्ट पे खर्च नहीं करता, तो नेक्स्ट बेस्ट क्या था उसके पास ऑप्शन, भैंस खरीदने का ऑप्शन था उसके पास, क्योंकि वहां से उसको मैक्सिमम फायदा हो रहा 10%। तो यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हुआ, 80 रुपये हुआ। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाटर लिफ्ट परचेजिंग इज 8 रुपीज, मतलब 100 रुपये कमाने के लिए उसने 80 रुपये गवाए, मतलब 100 रुपये का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो था 80 रुपये था, ये भी समझ सकते हैं आप।
अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं क्यों, स्टडी क्यों करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हम हमेशा ऐसे एंटरप्राइजेस को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो, जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो। अगर मान लीजिए हमारे पास तीन ऑप्शन है, हमारे पास तीन ऑप्शन है, तो हम उसको चुनेंगे जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। जैसे सुगर केन के केस में जो है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है 25 से था, तो मतलब आप 2500 गवा रहे हैं और 3200 कमा रहे हैं, तो उस केस में जो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल जो है काम करता है। ठीक है, बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये देखना है कि कंपेटिटिव एडवांटेज दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, किस कंडीशन में काम करता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।